वेलकम बैक टू माय चैनल लर्निंग जोन व्यूवर्स। आज हम लोग स्टेट बैंक में जो न्यू जॉब्स हैं उसके मुताबिक बात करेंगे, लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन पर क्लिक कर दें ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले मिल सके। जॉब को सर्च करने के लिए आपको गूगल पे जाकर जॉब्स 24 PK लिखना पड़ेगा। जो पहला ही लिंक आएगा आपने इस लिंक को ओपन करना है। लिंक को ओपन करने के बाद आपके पास कुछ इस तरह से एक पेज ओपन हो जाएगा। आपने किस पेज को किस जॉब के लिए आज हम लोग बात कर रहे हैं, जो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान गवर्नमेंट जॉब्स 2020 SBP, ठीक है। आपने इस लिंक को ओपन करना है तो ये पेज आपके सामने एक ओपन हो जाएगा, ठीक है। ये बेसिकली बैंक ऑफ पाकिस्तान में जॉब्स हैं, ठीक है, जिसमें डिफरेंट टाइप के मतलब इनकी जिम्मेदारियाँ या कहने के काम हैं, जो टास्क हैं जो आपको परफॉर्म करने पड़ेंगे, ठीक है। उसमें से मोस्टली आपका डेटा एंट्री टाइप का ही वर्क होगा, ठीक है, इस जॉब के में, ठीक है। और आप लोगों को मतलब अप्लाई करने का तरीका सिंपल से ये है कि इसमें कोई खास लंबा चौड़ा कोई काम नहीं है, ठीक है। आपने करना क्या है, अपनी अपनी डिग्रीज वगैरह जो है यहाँ पे लिखा हुआ है, अहलियत का मियार, ठीक है, कि आपकी तलीम अगर यानी कि 14 साल की है, ठीक है, और आपकी उम्र जो है वो 30 साल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, ठीक है, इसके लिए। और अगर आपने किसी जगह से तजर्बा यानी कि 5 साल का अगर आपके पास कोई एक्सपीरियंस वगैरह है तो आप लोग इस जॉब के लिए लाजमी अप्लाई करें, ठीक है। आपकी महारतें क्या क्या होनी चाहिए, MS Office इस्तेमाल करने पर बूढ़ हो, ठीक है, और कम्युनिकेशन का और मसाइल को हल करने की सलाह दें, ठीक है। कि दरख्वास्त का तरीका क्या है कि आपने मतलब अपनी एक CV लेनी है, उसके बाद अपने डॉक्यूमेंट्स लेने हैं, डॉक्यूमेंट्स के बाद अपनी फोटोग्राफ्स और जो भी एक्सपीरियंस लेटर और क्वालिफिकेशन की डॉक्यूमेंट्स वगैरह, ये सारे के सारे लेके आपने करना क्या है, आपने सारे एक अपनी एक एप्लीकेशन लिखनी है, ठीक है, जिसमें आपने जॉइंट डायरेक्टर रिक्रूटमेंट ह्यूमन रिसोर्सेज डिपार्टमेंट को आपने एक यानी कि वो करना है, एक एप्लीकेशन लिखनी है, ठीक है। उसके बाद आपने करना क्या कि आपने इनके पते पर भेज देना है। इनका पता ये हैदराबाद असिस्टेंट बैंक ऑफ पाकिस्तान, II चंडीगढ़ रोड कराची, ठीक है, यहाँ पे आपने अपने डॉक्यूमेंट्स भेज देने हैं, ठीक है। और जो लोग सिलेक्ट हो जाएंगे जॉब के लिए उनको फिर कॉन्टेक्ट कर लिया जाएगा फर्दर इंटरव्यू के लिए या टेस्ट वगैरह के लिए। इसमें होपफुली टेस्ट तो कोई नहीं होगा, इसमें फर्दर इंटरव्यू ही होगा, ठीक है। और दरखास्त जमा करवाने की आखिरी तारीख जो है वो 2 मार्च 2020 है, ठीक है। इसका लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में इस पेज का, अगर नहीं तो आप लोग इस तरीके से चेक कर सकते हैं, ठीक है। और इस जो कि आपके सामने ये एडवर्टाइजमेंट है, आप लोग इस एडवर्टाइजमेंट को भी ध्यान से पढ़ सकते हैं। ये थी जी आज की वीडियो। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़। खुश रहिए, खुशियाँ दीजिए।